रियलिटी शो सुपरस्टार और बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अग्रवाल पर मुंबई के जाने माने रियल एस्टेट कंसल्टेंट रफीक मर्चेंट ने ब्रोकरेज ना करने का आरोप लगाया है। हाल ही में मर्चेंट ने एक वीडियो बयान जारी किया जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि दिव्या और उनके पति अपूर्व ने उन्हें बेचे गए फ्लैट के लिए ब्रोकरेज के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। हालांकि उन्होंने जारी वीडियो में कपल से मिलने वाले पैसों का खुलासा नहीं किया, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने दावा किया है कि दिव्या और अपूर्व ने उन्हें कॉल पर जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उन्हें ब्लॉक कर दिया। उन्हें कपल से जल्द अपना बकाया चुकाने का आग्रह किया। वीडियो में मर्चेंट कहते हैं, दिव्या अग्रवाल प्लीज मेरे ब्रोकरेज फीस रिलीज कर दीजिए, मेरा 1% मेरा अधिकार प्लीज मुझे दे दीजिए। वीडियो में उन्होंने आगे कहा, मैंने आपको लोहा बेल एयर में एक फ्लैट बेचा था, आप मीटिंग से आई और खुशी खुशी रजिस्टर किया, उसके बाद आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया और मुझे ब्लॉक तक कर दिया, मैसेज डीएम सब कुछ ब्लॉक कर दिया, आप ऐसा क्यों कर रही है। रियल एस्टेट एजेंट ने आगे कहा, अपूर्व ने आप एक फेमस सेलिब्रिटी हो और एक बिजनेसमैन भी, आप भी ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमारे अधिकारों को क्यों दबा रहे हैं। वीडियो में मर्चेंट आगे कहते हैं, हमें कहीं भी मारो लेकिन हमारे पेट पर लात मत मारो, प्लीज मेरा 1% ब्रोकरेज फीस वापस कर दो, आपने कहा था कि जब आपने खरीदा और बेचा तो आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको घाटा हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए। रफीक मर्चेंट का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, ये कई सोशल मीडिया यूजर्स दिव्या और उनके पति की जमकर आलोचना करने लगे। एक यूजर ने लिखा, शर्मनाक, इन सेलिब्स को ऐसा करने में शर्म नहीं आती। वीडियो में रफीक मर्चेंट ने दावा किया है कि दिव्या अग्रवाल और अपूर्व ने उनसे कहा कि फ्लैट को बेचने में उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रफीक के मुताबिक वह इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कपल के उस फ्लैट को खरीदने में मदद की थी और जब बेचा तब भी की थी। इस पूरे मामले पर अभी दिव्या अग्रवाल और उनके पति का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया। बता दें कि दिव्या अग्रवाल ने 20 फरवरी को अपूर्व संग शादी रचाई थी। इस शादी में दिव्या ने सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया था। कपल की शादी की फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। वही थोड़े टाइम पहले ही दिव्या अग्रवाल और अपूर्व के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको बाद में दिव्या अग्रवाल ने सिर्फ फेक न्यूज करार दिया था। दिव्या अग्रवाल प्लीज मेरी ब्रोकरेज रिलीज कर दो, मेरा 1% मेरा हक मुझे अदा कर दो, मैंने आपका लोडा बेलर में फ्लैट बेच के दिया, आप राजी खुशी से मीटिंग में आए, आप राजी खुशी से रजिस्ट्रेशन में आए, उसके बाद आपने फोन उठाना बंद कर दिया, फोन ब्लॉक कर दिया, मैसेजेस डीएम सब ब्लॉक कर दिया, प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड अपूर्वा पटगांवकर एज वेल, यू आर अ वेरी वेल नोन सेलिब्रिटी एज वेल एंड यू आर अ फेमस बिजनेसमैन, आप भी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे हक को क्यों दबा रहे हो, आप कहीं भी मारो लेकिन हमारे पेट पे लात मत मारो, प्लीज मेरा 1% ब्रोकरेज रिलीज कर दो। आपने बोला कि भाई हमने जब खरीदा और उसके बाद बेचा तो हमको कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, तो हम क्या करें, आपको जब खरीदा था हमने दिलवा दिया, आपको जब बेचना था हमने बिकवा दिया,